गुड इवनिंग टू ऑल, सभी का स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मैं मिर्जापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए, क्योंकि इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ऐसा लगता है इन बच्चों को कि ये टॉपिक उतना नहीं पूछा जाता, बट आप ध्यान से देखें तो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आई एम जस्ट वेलकम एंड जस्ट रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट जस्ट ज्वाइन द आवर सेशन इन यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाएं। प्रखर, निकिता, निखिल, वैष्णवी, सुहासिनी, शुभी, सौम्या, रिया, जो भी हैं क्लास में, शिव पूजन, सभी लोग क्लास में जल्दी जल्दी आ जाएं तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रेजोनेंस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात करेंगे। दो तीन लेक्चर जीओसी में हो चुके हैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो चुका है आपका और आपका जीओसी स्टार्ट हो चुका है। जीओसी का भी पार्ट चल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो चुका है, रेजोनेंस स्टार्ट हो चुका है और रेजोनेंस में भी आप कि कुछ पार्ट हो चुके हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, तो चलिए आप लोग आ जाएं तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। बताएं क्लास स्टार्ट करें, क्या क्लास स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी मैसेज करें। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आलोक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रवि, आशुदा जी आपका वेलकम है, स्वागत है आपका। और भी जो लोग आ रहे हैं, जो नए हैं, उन सभी का वेलकम है। गुड़िया जी आपका भी स्वागत है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट कंडीशन में आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलते होंगे अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, बट अब देखा जाए तो ये आपके पास लास्ट समय है और इस समय का मैं ये कहूँगा कि उपयोग कर लीजिए। जितना हो सके उतना पढ़ाई करें सो दैट आपके पेपर अच्छे हों। तो शुभी आप रेडी है, शुभी रेडी है, सुहासिनी, चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए। एक मिनट हो गए अपनी क्लास के, दो मिनट तक वेट करके फिर जल्दी जल्दी क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभिषेक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका। अभिषेक देखिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे चीजें समझ भी आ रही हैं। आदित्य आपका भी स्वागत है, शिवांगी आपका भी वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आप लोग धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करें। पहले रेजोनेंस मैंने आपको सिखा दिया है कि रेजोनेंस क्या होता है, मैंने आपको कॉन्जुगेट सिस्टम सिखा दिया है। रेजोनेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था कि कहाँ रेजोनेंस आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे रेजोनेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा रेजोनेंस के लिए मैं आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की हम बात कर लेंगे, फिर रेजोनेंस आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का यूज कराऊंगा मैं और बताऊंगा कि कंपाउंड कैसे आप स्टेबल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि जेई मेंस में ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे किया जाएगा, मैंने कुछ बातें बताई थी सुबह मैंने बोला था कि When in resonance, the position of nucleus is fixed, only electron delocalize. सिर्फ जो structure बनता है वो electron के delocalization से बनता है, लेकिन nucleus की position fix होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितने unpaired electron होते हैं वो भी आपके equal होने चाहिए, समान होने चाहिए। और तीसरी बात मैंने बोला बताई थी कि जो energy है, मतलब जो आपके resonance hybrid बनेंगे, जो energy है वो एनर्जी भी आपकी, उस एनर्जी में भी क्या होगा, लगभग लगभग वो एनर्जी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीजों को आप
ड्राइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए ड्राइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ था, तो ड्राइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कैसे हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता रखी है इस क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक दो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा, दो तीन स्ट्रक्चर आपको सिखा दूंगा, उसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम बच्चों को इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम होती थी या होती होगी, जैसा मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को इस वाले में प्रॉब्लम होती होगी। तो अभी हम इसको, अच्छा पहले तो ये देख लीजिए क्या ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, श्वासनी बताइए ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, और अगर ये कॉन्जुगेट सिस्टम है तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होने के चांस होंगे, ठीक है। अच्छा जब रेजोनेंस होने के चांस होंगे बच्चे, तो बताओ कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बताओ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका नेगेटिव से जब आप रखेंगे तो सबसे पहला काम आप ये किया कीजिए, वाइल यू आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबरिंग, नंबरिंग लिख लो, सभी का नंबरिंग लिख लो, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कभी भी देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नंबरिंग कर लेंगे तो गलती होने के चांसेस आपके पास कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो 2 और 3 के बीच में आपका डबल बॉन्ड है और 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव आयन है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। अब जब भी आप इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो 2 और 3 के बीच का जो बॉन्ड है उसको कहाँ पे शिफ्ट करा दूं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो देखो 3 अभी जो बॉन्ड बना वो 1 और 2 के बीच में बन जाएगा क्या, बॉन्ड जो बनेगा वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में बन जाएगा, और 3 से इलेक्ट्रॉन हट रहा है। देखो या ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर में सेकंड बना रहा हूं, नंबरिंग आप कर लीजिएगा, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सॉरी 1 मैंने एक्स्ट्रा बना दिया यहाँ पे, तो इसके लिए आप इसको, अरे सॉरी 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 9 है ना, ठीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव था ध्यान से समझिएगा, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं है, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं है। जब आपका 2 और 3 से इलेक्ट्रॉन उठ के 1 और 2 के बीच में आएगा तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है निखिल, डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। और 3 पे जो नंबर 3 है वहां पे क्या होगा, वहां पे देखिए ये पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका जो पॉजिटिव सेंटर था 1 से कहाँ पे पहुंच गया, 3 पे, 1 से कहाँ पे पहुंच गया, 3 पे। ये इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये 3 वाला मैं इधर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब आप चाहते हैं इसको आगे इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो अब आप देखिए इसके आगे, अब ये जो 4 और 5 के बीच में जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 4 और 5 का इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट करेगा, और जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे पहुंचेगा, पॉजिटिव किस नंबर पे पहुंचेगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, पॉजिटिव किस नंबर पे पहुंचेगा, एकदम सही बता रहे हैं कुछ लोग, या अगेन इसको नेमिंग आप ऐसे कर लीजिए, नंबरिंग 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ये शिफ्ट हुआ कहाँ पे, 4 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया, और 5 पे क्या हुआ, 5 पे आपका पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो गया, 5 पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो गया। अगेन 6 और 7 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और 8 और 9 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड है। तो ये इसका, ये आपका सेकेंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना, मतलब अगर इसको काउंट करेंगे तो दोनों मिला के 3 हो गए, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो अब मेरा जो है पॉजिटिव कहाँ पे पहुंच गया, 5 पे। तो ये आपका नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब फिर आप क्या करेंगे, 6 और 7 से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराइए, आपका जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे आ जाएगा, 7 पे। फिर आप क्या कराइए, इसको शिफ्ट कराइए,
पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, 9 पे। ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग इस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, समझ के लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अभी जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, और 7 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, 7 पे आ गया पॉजिटिव, और 9 ऐसे रहेगा। फिर नेक्स्ट वाला जब बनाएंगे आप तो क्या करेंगे, फिर 9 ले लीजिए, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9, तो अब ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, 9 पे होगा पॉजिटिव सेंटर, 9 पे आपका क्या होगा, नाइन पे होगा आपका पॉजिटिव सेंटर, 9 पे पॉजिटिव सेंटर, और 7 और ये 5, 6 के बीच में बॉन्ड होगा, 5, 6 के बीच में बॉन्ड होगा, और 7, 8 के बीच में बॉन्ड होगा। देखिए अब देखिए यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है घूमता टहलता कहाँ पे आ गया, पहले से 7वें पे आ गया, पहले से 9वें पे आ गया, जिसके कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, एक 3 वाला, एक 5 वाला, एक 7 वाला, एक 9 वाला, एक 3 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला, 4 और बन गए, तो टोटल आपके स्ट्रक्चर कितने थे, 5। टोटल आपके स्ट्रक्चर इसमें कितने थे, 5, और इनके आपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। आपने रेजोनेंस में शिव पूजन ये भी पढ़ा है कि ये डिस्टेंस इनडिपेंडेंट होता है, इसलिए देखो ये पहले कार्बन से स्टार्ट होके 9वें कार्बन तक ईजिली पहुंच गया। अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता, अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता तो 3 या 4 कार्बन के बाद ये रुक जाता, लेकिन तुम कितनी भी लंबी चेन बना दो, कितनी भी लंबी चेन बना दो, ये क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के थ्रू वो लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये है आपका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, इसे आपने लिख लीजिए, लिख लीजिए, हालांकि आपने लिख लिया होगा, बस आपको मैं 30 सेकंड का और समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड में आप इसे, जिन्होंने नहीं लिखा उसे लिख लीजिए, समझ के फिर लिखिए, समझ के फिर लिखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं और एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, करा रहा हूँ, अभी और एग्जांपल करा रहा हूँ, तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आप ईजिली ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे इसे करके आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए लिख लिया आपने, नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव के पास जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव के साइड में मूव करता है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर लूँ, यहाँ नेगेटिव ले लूँ, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, यहाँ तक, यहाँ पे आप नेगेटिव ले लीजिए, ठीक, तो ये 1, 2 फिर से आगे नंबरिंग कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत ही ध्यान से देखिए, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब 1 और 2 के बीच में क्या है, नेगेटिव है, अभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा था इधर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव के साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो यहाँ पे क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी 1 और 2 के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इधर, और ये बॉन्ड जो आपका ब्रेक होगा और ये आ जाएगा एटम पे, मतलब ये बॉन्ड टू सॉरी कार्बन एनायन टू बॉन्ड गया और बॉन्ड टू एटम, ये मैंने आपको लास्ट में सिखाया था। तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट हम करते हैं इस एरो से, डबल एरो, डबल हेडेड एरो, मतलब इधर भी एरो होगा, इधर भी एरो, तो इसका मतलब है कि वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। तो अगेन इसका एक लाइन खींच लीजिए आप, 7 एलिमेंट ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आएगा उसमें 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा निखिल, और 3 के बीच में क्या होगा, 3 पे क्या होगा जल्दी बताओ निखिल, 3 पे क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर होगा, ठीक है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, और 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड,
ये इसका सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इसका थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, थर्ड रेजोनेटिक सॉरी ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव सेंटर होगा ना, गड़बड़ी होगी, यहाँ पे नेगेटिव सेंटर होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि आपका देखिए मूवमेंट आपका नेगेटिव वाला हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब बॉन्ड से एटम पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर आप यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इसे नेगेटिव करें। ठीक, अगेन इसके नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब थ्री और फोर के बीच में शिफ्ट होगा, और फोर और फाइव वाला जो फोर वाला और फाइव वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉप होगा, यहाँ मैं बना देता हूँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार सेवन, ठीक है। तो वन इस यहाँ पे वन और टू के बीच में बॉन्ड बन गया, थ्री और फोर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, फाइव पे आपका क्या होगा ये, और सेवन पे, फाइव पे ये होगा सिक्स सेवन, सिक्स सेवन एज इट इज रहेंगे। फिर अगेन इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, फाइव और सिक्स के बीच में बनाएगा और सेवन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो एक दो देखिए यहाँ पे, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो सेवन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सेवन पे क्या होगा, नेगेटिव, देखिए सेवन पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं। देखा जाए तो ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, है ना, दोनों स्ट्रक्चर देखिए सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अगर आप नंबरिंग कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले में फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव है और लास्ट वाले में सेवेंथ कार्बन पे नेगेटिव है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव है और लास्ट वाले में सेवेंथ कार्बन पे नेगेटिव है, इसलिए आप इस लास्ट वाले भी को भी आप एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे, है ना। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर है और आप फिर उसको मिस कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप सभी जो कार्बन है उसकी नंबरिंग कर लीजिए, फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइए। एक सेकंड फिर भी इसमें भी देता हूँ मैं आपको, फटाफट ड्रॉ कर लीजिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिर मैं थोड़े टफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे आता हूँ। टफ क्या है, तो सब इजी ही पर समझने वाली बात है। अब इसमें आपने देखिए जितने स्ट्रक्चर बना लिए, इसमें चार स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो चार इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे इंक्लूडिंग इनिशियल वाला। इनिशियल वाले को इंक्लूड करते हुए ये आपके चार स्ट्रक्चर बनेंगे, अदरवाइज अगर पहले वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितने बनेंगे, तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। सुधा जी बात समझ आ रही है, सुधा बात समझ आ रही है आपको, वैष्णवी निखिल शिवपूजन, समझ आ रहा है तो फटाफट उतार लीजिए, फिर इसके बाद वाले टॉपिक पे चलते हैं। एक दो और स्ट्रक्चर ड्रॉ कराता हूँ, थोड़े छोटे छोटे हैं, फिर कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको, वो करिएगा ना। देखिए एक और स्ट्रक्चर ले लेता हूँ मैं, इसको देखिए नीचे अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है। तो इसको मैं ऐसे 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 ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हुआ सिंगल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं मैं पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आएगा, और नेगेटिव करूंगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वहीं से होगा। पॉजिटिव सेंटर को कभी मूव नहीं कराएंगे, पॉजिटिव सेंटर पर इलेक्ट्रॉन आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करिए, एक बार आप लोग अपने से अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, फिर मैं इसको आपको आपको मैं एक मिनट का समय देता हूँ, कुछ आपने गलतियां करेंगे कुछ सही करेंगे, फिर मैं आपको इसका पूरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग अपने से करिए, इसे यहाँ से आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, मैं नंबरिंग वाला बेसिक काम मैं करता रहता हूँ, आप अपना अपना काम करिए, बनाइए इसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, चलिए
अब आप लोग इसको बनाइए अपने से, फिर मैं इसको आपको हेल्प करूंगा बताने में, ठीक है। कौन कौन लोग सही से बनाएंगे, कोशिश करेंगे, एटलीस्ट कोशिश करिए। और उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर में दे देता हूं, आप उसको बनाइएगा। और बताइएगा कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो जो इसको बना लेगा, फिर जब मैं बनाऊंगा तो आप इसको देखते हुए नेक्स्ट एक इसको बना लीजिएगा, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन मैं और दे दूंगा साथ साथ में, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो आप लोग बनाइए इसको जरा फटाफट। अब मैं बता दूं क्या आप लोगों को, अब बता दूं मैं, चलिए अब एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिए, एक मिनट से ज्यादा समय हो गया। अब जरा बोर्ड पे देखिए तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये क्लियर भी हो जाएगा। देखिए देखिए, वन और टू के बीच में पॉजिटिव है और टू और थ्री के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, बॉन्ड को यहां से शिफ्ट कराएंगे कहाँ पे, वन और टू के बीच में। तो बॉन्ड शिफ्ट कहाँ से हुआ है, थ्री से, थ्री को तोड़ रहा है, तो थ्री पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो थ्री पे पॉजिटिव, आप ये वाले रिंग को एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ वाले जो रिंग है, इसमें इसमें देखिए बॉन्ड आ गया यहाँ आपके, यानी वन और टू के बीच में हो गया, थ्री पे हो गया पॉजिटिव, और फोर एज इट इज था, बाकी फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे था। तो ये हो गया आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अब सेकंड इसका जो इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो जो नाइन नंबर वाला कार्बन है, ये फोर था आपका, ये फाइव था, ये सिक्स था, ये सेवन था, ये एट था, नाइन, नाइन पे क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नाइन पे क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और आपका उसके बाद वाली जो कंडीशन होगी वो देखो, वन और टू के बीच में डबल बॉन्ड और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी वन टू थ्री फोर यहाँ के बीच डबल बॉन्ड, और नाइन नंबर पे क्या होगा, पॉजिटिव, और ये अगेन सेम होगा। फिर क्या करोगे, नाइन नंबर ये हो गया, ये एट हो गया, ये सेवन हो गया, ये सिक्स हो गया, फाइव हो गया, फिर सेवन और एट के बीच में मोमेंट होगी, सेवन और एट का इलेक्ट्रॉन जाएगा और नौ पे पहुंच जाएगा, सेवन और एट, एट का इलेक्ट्रॉन जाएगा और नाइन पे पहुंच जाएगा, ऐसा देखो ऐसा। तो पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, सेवन नंबर पे, पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, आ गया सेवन नंबर पे, आ रही बातें समझ, पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, सेवन नंबर पे। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करके बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसे लिख लीजिएगा, पहले आप इसे समझ लीजिए फिर इसे लिखिएगा। देखो यहाँ पे नाइन और एट के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, सेवन पे पॉजिटिव, ये एज इट इज था, ये एज इट इज था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ ऐसा था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक। लास्ट वाले में क्या होगा, सिक्स और फाइव के बीच में जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, वो शिफ्ट हो जाएगा सेवन और सिक्स के बीच में। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा अगेन आपका, बॉन्ड किसके बीच बना, इधर सिक्स सेवन के बीच में इधर, और पॉजिटिव बन गया यहाँ, पॉजिटिव बन गया यहाँ, और ये और ये, ठीक है, वन टू थ्री फोर यहाँ कर लेना, फाइव ये कर लेना, सिक्स सेवन एट नाइन। अच्छा कुछ और भी ऑप्शन दिख रहा है क्या, कुछ और भी ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को, कुछ और भी ऑप्शन दिख रहा है क्या। देखिए ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हड़बड़ी मत करिए और ध्यान से देखिए। सुभी, सौम्या, सुहाशिनी, बहुत बच्चे ध्यान से देखना, निखिल, इसके बाद कोई ऑप्शन बचेगा क्या, इसके बाद कोई ऑप्शन बचेगा क्या, इसके बाद एक ऑप्शन ये बच रहा है कि आप जो डबल बॉन्ड थ्री वाला, देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन दिख गई तुम्हें, ये वाली कंडीशन दिख गई। अब तुम अगर बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दो, यहां पे शिफ्ट कर दो, तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा ये वाला, देखो ये वाला, और थर्ड पे होगा पॉजिटिव, और ये होगा ऐसा, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो देखो एक एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा, और एक रिवर्स करा दो
तो वन पे अगेन वो वन पे आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर आप बोलेंगे ये सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के, देखने में अभी मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, देखने में ऐसा लग रहा है कि वन पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी आ गया था और थ्री पे भी पॉजिटिव यहाँ पे आया था, लेकिन आप देखेंगे इधर वाले यहाँ वाले पे डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज हो चुकी है। जब यहाँ पे वन पे था तो डबल बॉन्ड फोर और नाइन के बीच में था, थ्री पे था तो फोर और नाइन के बीच में था, लेकिन यहाँ पे जब थ्री के बीच में था तो डबल बॉन्ड आपका फोर और फाइव के बीच में। तो इस चीजों को भी आप ध्यान रखें। तो आपका देखिए ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये सारे आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं। आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करके आप क्या करें, सॉरी मैंने यहाँ से नंबरिंग करनी थी उल्टा कर दिया नंबरिंग। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये इसको मैं लिख देता हूँ नाइन, आप यहाँ से लिखेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, है ना। तो ये आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए इस कंपाउंड, ठीक है। अब इसको फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, मतलब इसमें टाइम ना लगाएं। तो मैं आपको दूसरा बताता हूँ, फिर एक आध दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी, थोड़ा सा आप खुद भी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे चलें, शिव पूजन, निखिल आगे चलें, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने और दिया था, उसका भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कोई स्ट्रक्चर देखे कि कितने इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, ठीक है। यहाँ आप हाइड्रोजन लगा लीजिएगा थोड़ी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करा के, तो शायद पहले वाले में मैंने नहीं लगाया था, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसकी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई हम करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर बनाओ, देखो यहाँ पे है ये, देखो एटम पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ नंबरिंग कर दो, नाइट्रोजन वाले पे वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और यानी वन और टू के बीच में जा सकता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन वन और टू के बीच में बॉन्ड बन सकता है, और टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में थ्री पे आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखो थ्री पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना, जो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना वो कैसा हुआ, देखो इसके बीच में, इसके बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका लोन पेयर और ये एज इट इज, मतलब इसको अगर नंबरिंग करूँ मैं तो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ठीक है। सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब थर्ड पे यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, फोर पे, तो थर्ड और फोर पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। अब फोर और फाइव का बॉन्ड टूटेगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, फाइव पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे ये क्या होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसी कंडीशन होगी। क्या इसके बाद, क्या इसके बाद, अभी आप नंबरिंग कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, क्या इसके बाद और भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, क्या इसके बाद और भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है क्या। ये लोन पेयर अगर आपका, ये लोन पेयर अगर आपका वन और फाइव के बीच में डबल बॉन्ड बना दे, मतलब अभी तो डबल बॉन्ड इधर बनाया था आपने, अगर आपने इधर डबल बॉन्ड बना दिया दूसरे साइड से, पहले राइट हैंड साइड में बनाया था, अब लेफ्ट हैंड साइड बना दो, तो अगर आपने यहां बना दिया, देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से घुमा रहा हूं, तो ये क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ इसका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, अभी सभी लोग बोर्ड पे देखिए, अभी बनाइएगा मत, क्योंकि ये अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे यहीं पे लाके लोग रोक देते हैं, बट वो घूमता पूरी जगह, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। फाइव वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो नाइट्रोजन पे आके डबल बॉन्ड बना लिया, और नाइट्रोजन का जो, नाइट्रोजन पे जो डबल बॉन्ड था यहाँ जो लगा हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आ गया। अब क्या यहाँ पे देखो, यहाँ टू के बीच में और वन के बीच में डबल बॉन्ड था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वन और फाइव के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे वन और फाइव के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर से अगेन आप नंबरिंग कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, फिर ये अगेन ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा फोर पे।
तो मैं इसका नंबरिंग यहाँ पे बनाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। तो फोर वाले पे क्या हो जाएगा, ये फोर वाले पे ये होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक, इसको फिर से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर अगेन करिए, ये 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, फिर से अगेन आपका लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके, देखिए 1 2 3 4 5 इसको इंक्लूड करेंगे तो 6, बट अगर अदरवाइज इसके 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गए, क्या हो गया, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, टोटल आपके 6 स्ट्रक्चर हुए। लेकिन इस कंपाउंड का कितना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुआ, इस कंपाउंड का 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुआ। अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, वो ये है कि आपके पास जितने एटम होंगे जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जितने एटम होंगे उससे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा आप शिफ्टिंग कहां तक करा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पे करा सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे से ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, पहली चीज। उससे कम बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो अगर, अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इवन पे भी मूव कर रहा है और ऑड पे भी मूव कर रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इवन पे भी मूव कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा और जिसको लिखना हो लिख भी लीजिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इवन पे भी मूव कर रहा है और ऑड पे भी मूव कर रहा है, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने पूरे के पूरे आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों पे मूव कर रहा है तो आपके जितने एटम होंगे सभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, लेकिन अगर सिर्फ इवन पे हो रहा होगा या सिर्फ ऑड पे हो रहा होगा तो वहां पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कम आएगा। क्लियर, अब जरा इस एग्जांपल से मैं बात आपको आपको कंप्लीट करना चाहूंगा, इसको जरा देखिए निखिल, बहुत ही ध्यान से देखना। पहले केस में तुम्हारा नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, ठीक है, और जो लोन पेयर था, देखो यहाँ पे 3 पे आया 3 के बाद 5 पे आया, लोन पेयर कहाँ पे आया, 3 पे और 5 पे। क्या ये वाली कंडीशन इवन ऑड वाली हो गई, 3 और 5 पे आया तो ऑड पे हो गई, लेकिन उसके बाद जब तुमने रेजोनेंस कराया तो देखो 2 पे भी गया, फिर 2 पे गया तो 4 पे भी जाएगा, 2 पे गया तो 4 पे भी जाएगा, मतलब इवन भी यहाँ आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 5 5 बनेंगे क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थी। ठीक है, इवन पे भी दिख गया और ऑड पे भी दिख गया। अब एक एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में कराया वो जरा देख लो, जब तुम इसको यहां करा रहे थे, देखो ध्यान से, जब तुम यहां करा रहे थे, अगर वो पॉजिटिव तुम्हारा 3 पे आ रहा है, देखो 3 पे आया, 3 पे आएगा तो फिर 5 पे आएगा, 5 पे आएगा तो 7 पे आएगा, 7 पे आएगा तो 9 पे आएगा। ठीक, तो अगर वो ऑड पे आ रहा है तो बेटा सभी ऑड पे ही जाएगा वो, लेकिन 9 के बाद वो कहीं ऐसा नहीं कर पाएगा, अगर 9 के बाद तुम लेके भी जाओगे तो देखो ऐसे आके वो 7 पे चला जाएगा, मतलब यहाँ के केस में वो सिर्फ ऑड पे ही आ रहा है, सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, ऑड पे ही आ रहा है, तो कभी भी 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हर एक एटम को पार्टिसिपेट करा सकता तो इसका 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उससे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो अगर बाई चांस आपके पास ऑप्शन आ जाए ए बी सी डी, इसमें किसी में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 5 से ज्यादा दे दिया, 5 ही आइटम है 5 से ज्यादा दे दिया, जितने ज्यादा वाले हैं उसको काट देना, हटा देना, और जितने कम वाले हैं इवन आउट देख लेना, अगर इवन आउट दोनों पे जाएगा तो उतना ही बनेगा, और अगर सिर्फ एक पे ही जाएगा तो उससे भी कम बनेगा, और ऑप्शन तुम रेक्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये देख लो थोड़े से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको बना दिया। अब आप जल्दी से इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को उतार लीजिए फटाफट, उतार तो लिया ही होगा। सुभाषिनी, शुभी, डन हो गया बेटा, ये सारे चीजें डन हो गया। एक तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दे देता हूँ, हो गया ना, एक दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दे देता हूँ, फिर हम रेजोनेंस को बता के फिर बाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को, मतलब इस रेजोनेंस वाले को। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको,
इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, बहुत ही सिंपल सा है इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, करिए जरा, मैं बताऊं आप लोग करेंगे या मैं बताऊं, आप लोग करेंगे या मैं बताऊं, इसका करिए जल्दी से। एक और बता देता हूं, तीन कर लीजिए बहुत है, उसके बाद हम लोग ठीक है ये कर लीजिए। ये जल्दी जल्दी करिए। तो अब मैं बता दूं, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जाएगा और ये लोन पेयर है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। तो आप देखो इसका जो सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, ठीक है ये बनेगा, ये इसका सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। नंबरिंग करना चाहो कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, 4 और ऑक्सीजन के बीच में नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो नेगेटिव का ट्रांसफर यहाँ 3 से होके कहाँ पे पहुंच गया, 3 से होके कहाँ पे पहुंच गया, ऑक्सीजन एटम पे पहुंच गया। तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये गया यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, तो इसका जो सेकेंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो होगा ऐसा, ठीक है ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या एक ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसमें जरा देखो, ये देखो बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड किधर बना है, इधर। अब इसमें नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक देखो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, सुपोजन बात समझ आ रही है, इस वाले ऑक्सीजन के बीच में और डबल बॉन्ड यहां बनेगा, बाकी ऐसे ही रहेगा 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे होना, इसी को तुम चाहो तो इसको इधर कर दो, डबल बॉन्ड इधर और इसको यहाँ कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है अगर चाहो तो, या इसी में देखो ये इधर गया होता तो ये इधर चला गया होता, तो एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, जिसमें यहाँ पे देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता, ये इधर आता और फिर ये इधर चला जाता और ये फिर यहाँ आता। तो यही सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या स्टेप उठाएंगे। एटम को कहीं पे भी मैंने चेंज नहीं किया है, हमेशा मैंने आपके इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को चेंज किया है और ये इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ये सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैंने बोला था कि रहना है इंडिया में कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले आप रेजोनेंस देखेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे और फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे ना। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मेरे पास एक कार्बोकैटायन है, मेरे पास एक कार्बोकैटायन है 3 डिग्री कार्बोकैटायन और एक कार्बोकैटायन है मेरे पास 2 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, आप लोगों को पता भी है। लेकिन अगर मैं इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सुभी बताओ बेटा जल्दी से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सुभी और सौम्या बड़े जल्दी जल्दी आंसर देते हैं, बताओ सौम्या और क्यों, कौन सा होगा और क्यों। इसका नाम ए कर देता हूं, इसका बी, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी आपका ए से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस है और यहां पे सिर्फ इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, बट अभी मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन बताया नहीं है इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले यहां पे देखिए, ड्यू टू द रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये
इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कम स्टेबल होगा। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब हम इसके बाद में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वाले पार्ट को ही बताऊंगा। तो चलिए ये फटाक से लिख लीजिए, फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको फटाफट कर लें। कर लिया हो तो बताइए। तो आज आपका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, आपका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए करें आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फाइंड द, ये क्वेश्चन भी नीट में बहुत ही कॉमन वे से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से हेडिंग डाल के ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आपने इतने ज्यादा स्ट्रक्चर बना लिए हैं, देखिए जैसे आपने इसमें, देखिए इसमें दो स्ट्रक्चर बना लिया, ये इसमें दो स्ट्रक्चर बना लिया, एक में आपने पांच स्ट्रक्चर बना लिया है ना, किसी में छह स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लेकिन उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कैसे बताएंगे? ये क्वेश्चन आपके नीट में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। वो दो स्ट्रक्चर दे देगा, तीन स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, ये सारी चीजों के बारे में भी चीजें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आज ये खत्म हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा फिलहाल। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी दो कंपाउंड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। हिंदी में जो समझना चाहे, अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जिसमें भी ज्यादा होगा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला लाइन लिख लीजिएगा, इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed compound is more stable। लिख लीजिए इसे, जितने ज्यादा covalent bond होंगे उतने ही ज्यादा compound की stability आपकी बढ़ेगी, ठीक है, उतने ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिख लिया तो मैं इसको समझा दूं, थोड़ा लिख लीजिए फटाफट से। देखिए रेजोनेंस मैंने आपको धीरे 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 और सारे पॉइंट्स करा दिए हैं, अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये सर ने क्या बताया, ये कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेजोनेंस आपका शायद दो या तीन लेक्चर में खत्म हो रहा है, तो सभी पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा। और अभी मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करा रहा हूँ, तो कई ऐसी चीजों को जो अनवांटेड है, जो नहीं पूछी जाती, उन्हें मैंने बताया भी नहीं है। जैसे आप हाइड्रोकार्बन को कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में डिवाइड किया गया, फिर उसको दो भाग में डिवाइड किया, ये सब नहीं बताया, पूछा ही नहीं जाता। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लास्ट वाले टॉपिक में वो छोटे पॉइंट जो होंगे वो एक साथ कवर कर लूंगा। मेजर पोर्शन यहाँ पे कवर करते हैं, उसको छोटा छोटा पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला तो आपने लिखा कि जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4। अच्छा मैं यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ना बनाऊ तो काम चलेगा क्या? मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, काम चलेगा हमारा? हम लोग को सिर्फ क्या करना है, वैलेंसी आप सेटिस्फाई करते रहिएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये आपका काम है। अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इसको लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे बताइए, ये स्ट्रक्चर है आपका, अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, निखिल अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो यहाँ क्या करूं, इधर आप
बॉन्ड से एटम पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दीजिए, बॉन्ड से एटम पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दीजिए। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, या ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बॉन्ड से एटम पे क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको इसी तरह से शिफ्ट करें, ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इसको इस साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। आपको ओवरऑल करना क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसलिए आप और ऐसे भी देखें तो इधर वाले हम ये मान सकते कि इधर वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आपका बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट होगा, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, ठीक। तो अब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर करते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा, बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा। अगेन यहाँ पे चार ही कार्बन होंगे, अगेन इसके पास दो ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। अभी डिफरेंस क्या है, नंबरिंग कर लीजिए जरा, 1 2 3 4, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका सिर्फ इतना है, डिफरेंस आपके पास सिर्फ इतना है कि अभी जो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड था, तो 1 और 2 के बीच में क्या हो गया आपका ये, और 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो कहां पे पहुंच गया, 2 और 3 के बीच में, 2 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में। और यहां से आपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा दी, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा है या इसमें, इसका अगर मैं एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ। इसको मैं इसका देखिए एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा बना दूँ, इसका मैं बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दूँ, येलो से मैं दिखा रहा हूँ, और इसका जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट करा दूँ, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कराऊँ, तो देखो यहाँ पे ठीक है निखिल, बात आ रही बेटा समझ। देखो यहाँ पे फोर्थ वाले पे क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे फोर्थ वाले पे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे वन वाले पे नेगेटिव है, यहाँ पे वन वाले पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों ही एक दूसरे इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक, ये दोनों ही एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं ए बी सी में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये अगर मैं इसे ए लिख दूं सुहाशिनी, इसे बी लिख दूं, इसे तीन लिख दूं शिवांगी, अगर मैं इसे ए बी सी लिख दूं, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी। बी और सी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल स्टेबल होंगे, बट ए ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रूल ये बोलता है कि जहां बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ये बोलता है रूल फर्स्ट। क्लियर है ये बातें, क्लियर है बातें आपको? नेक्स्ट आगे चलें, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये समझ में आ गई बातें, नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। ये पहला रूल था, देख लो जरा रूल, इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तो पहले में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है बच्चों, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। दो रूल देख लो, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड देख लो, दूसरा ऑक्टेट वाला, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दो रूल से ही बन जाएगा तुम्हारा। बाय चांस कभी एक ऐसा भी आ गया कि उससे नहीं बन रहा है, तो थर्ड रूल पे फोर्थ रूल पे भी जाओ, लेकिन ये सबसे जरूरी है कि कोवेलेंट बॉन्ड देखो। दूसरा जो रूल है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करो, स्ट्रक्चर यहां लिखो, इफ स्ट्रक्चर फॉलो ऑक्टेट रूल देन दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अगर आपको बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो ज्यादा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा वो, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द अदर, दूसरे वाले। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH2O, ये, और यहाँ पे एक मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ पे कराओगे, इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव के साइड में। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दूं, यहाँ पे शिफ्ट करा दूं, तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, जो दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया,
और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे लोन पेयर हो गया और यहाँ पे ये, तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये वाला इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब मैं बोलूँ कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, सुभी इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है ना, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बताओगे तुम लोग, क्या बताओगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर में, इन दोनों स्ट्रक्चर में, अब जरा ऑक्टेट रूल को फॉलो करा दो, क्या ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो दो यहां से, दो यहां से, 4 2 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी देखोगे कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना रहा है और एक एक बॉन्ड यहां से, तो 8 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन के साथ दो ही बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ दो ही बॉन्ड बना रहा है और एक यहाँ, तो दो एक 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड हुआ, तो ये सिक्सेट को फॉलो कर रहा है, इसके मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, वैष्णवी जल्दी जल्दी बताइए बेटा आप, यहां तक किसी को डाउट, सुधा किसी को डाउट, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन पे आउटर मोस्ट में, यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6 2 8, अभी भी ऑक्सीजन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन से 2 बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, तो 2 2 4 बॉन्ड हुआ, 4 बॉन्ड हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, तो ये वाला कंपाउंड ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है और ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप सिर्फ दो स्ट्रक्चर देख ले, दो रूल पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो पहला नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा ऑक्टेट रूल को फॉलो करना, जल्दी से इसे लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। तो थर्ड रूल बताता हूं आपको, थर्ड रूल बताता हूं मैं आपको, लिख लिया, डन, थर्ड रूल बताता हूं, थर्ड रूल देखिए, इसमें चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन सेपरेशन रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड चार्ज को जब तुम तोड़ोगे यहां से वहां तक ले जाओगे तो क्या हमें कुछ कुछ अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या, जब मैं जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में देख लो, पहले इसके पहले ही देख लो, देखो जरा यहाँ पे, या यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर देख लो, पहले यहाँ पे चार्ज 1 पे था, फिर 3 पे कराया, फिर 5 पे कराया, फिर 7 पे कराया, फिर 9 पे कराया, या 1 पे था, 3 पे, फिर 9 पे, फिर 7 पे, 5 पे, इस तरह से। अगर मैं चार्ज को सेपरेट कर रहा हूं तो क्या हर बार मैं बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा हूँ, और इस केस में क्या मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या, जल्दी जल्दी बताइए, क्या इस केस में मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या, क्या इस केस में मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या, जल्दी बताओ क्या इस केस में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या। तो अगर चार्ज सेपरेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो अगर चार्ज सेपरेशन आपकी एनर्जी को रिक्वायर्ड करता है, यानी एनर्जी उसको चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें चार्ज बहुत ज्यादा सेपरेट हो, बहुत ज्यादा दूर हो, वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है, वो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जिसमें आपका चार्ज सेपरेट नहीं हुआ, जिसमें आपका चार्ज सेपरेट नहीं हुआ या चार्ज सेपरेशन कम है, वो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। जहां पे चार्ज सेपरेशन कम, स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, चार्ज सेपरेशन ज्यादा, स्ट्रक्चर लेस स्टेबल, ठीक है। अब इसको जरा एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, चार्ज सेपरेशन रिक्वायर्ड एनर्जी, तो यहां पे लिख दीजिए चार्ज, चार्ज सेपरेशन सेपरेट, मतलब जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा, मोर चार्ज सेपरेशन, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस, इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा उतना ही आपकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, उतनी आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल से देखूं, देखो अभी इसके ऊपर वाला भी कोई एग्जांपल उठा सकते हो आप लोग, ठीक है,
इसके ऊपर भी कोई भी एग्जांपल जो आप लोग को समझ में आए वो उठा लीजिए, 2 3 4 बैलेंस ही सेटिस्फाइड है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊं और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा दूं यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या होगा देखो, सी एच टू के ऊपर एक नेगेटिव सी एच और डबल बॉन्ड यहाँ बन गया सी एल, 2 2 4 और ये नेगेटिव यहाँ गया बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। देखो यहाँ पे कोई चार्ज था ही नहीं और यहाँ पे चार्ज था, तो चार्ज अगर बनाया तो तुमने चार्ज को सेपरेट भी किया, चार्ज को सेपरेट किया तो चार्ज एनर्जी ज्यादा लग गई, एनर्जी ज्यादा लग गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो सभी ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल। एक लास्ट पॉइंट देख लो, एक लास्ट पॉइंट देख लो, इसके बाद मैं आपको 2 3 अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, कई क्वेश्चन इस पर कराऊंगा कि कैसे ये स्टेबल की बात करेंगे। और मीनवाइल अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपकी एक क्लास बीच में लेने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस करा दूँ, वो क्लास मैं आपको डायरेक्ट लूँगा, मेरे ख्याल से मैं 12 12 5 ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा प्लान कर रहा हूँ, तो देखते हैं कब बनता है, 1 2 दिन में ही कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये वाला लिख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इतना रूल और इस रूल को इसी सीक्वेंस में देखिएगा, मतलब पहला रूल आप देखिएगा बॉन्ड वाला, दूसरा देखिएगा ऑक्टेट रूल वाला, तीसरा आप देखिएगा चार सेपरेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला चार सेपरेशन देख लिया फिर बॉन्ड देख रहा हो फिर ऑक्टेट देख रहा हो, ऐसा नहीं करना, एकदम सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में ऑक्टेट रूल देख लो, बॉन्ड देख लो पहले, फिर ऑक्टेट रूल देख लो, फिर तुम चार सेपरेशन की बात करो, फिर चार सेपरेशन की बात करो, तब जाके आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपका ये सभी रूल फॉलो कर रहा है, मतलब चार्ज भी सेपरेट है, चार्ज ऑक्टेट भी फॉलो कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, उसके बाद भी स्ट्रक्चर में कुछ देखते हैं चीजें कि इफ फर्दर दिस, मतलब इन सभी के अलावा इफ नेगेटिव चार्ज चार्ज इज कंटेन्ड बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंटेन्ड बाई मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम अगर नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस केस में भी आपका जो कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए, तो आप बताएंगे स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल किया था ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव था मेरे पास, इसका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपने बनाया था वो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव किया था, तो देखिए सभी में ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप यहां बना दिए तो डबल बॉन्ड यहां पे और ये देखिए यहां पे, ठीक। तो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं, यहां पे कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहां पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में सभी कार्बन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है। अगर आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे कार्बन वाले और ऑक्सीजन वाले को कंपेयर कर लो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। तो ये थे आपके सारे रूल, जिसको एक फॉर्मल चार्ज का रूल है बट वो अभी आपसे पूछा नहीं जाता है, तो इतने ही इसको याद रखिएगा कैसे कैसे होगा। पहला चीज कोवेलेंट बॉन्ड देख लेना, दूसरा क्या करोगे ऑक्टेट रूल को फॉलो करा देना, तीसरा चार्ज सेपरेशन देख लेना, चौथा उसके चार्ज सेपरेशन के बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव के साथ नेगेटिव होना चाहिए, इतना कर लो
फिर अगली क्लास में मैं इस पे क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा, सो दैट और चीजें आपकी कंफर्म हो। इतना अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे, और जो बच्चे आज की क्लास नहीं किया सीधे कल कल आएंगे, उनके लिए भी यही रिक्वेस्ट है, बिना पढ़े आएंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। तो प्लीज एक बार इसे जरूर, आप किसी भी रीजन से अगर क्लास नहीं ले पाते हैं, टाइमली क्लास नहीं ले पाते हैं, तो आफ्टर जब भी आपके पास टाइम लगे, बट पिछली क्लास से पहले आप क्लास जरूर लें। होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी, और इन चीज़ों को आप राइट डाउन कर लें, इन चीज़ों को राइट डाउन कर लें, और जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि थोड़ा वो भी इससे कुछ नॉलेज वो गेन कर सकें। और बेसिक से मैं आपको उन चीज़ों को ज़रूर फोकस कर रहा हूँ जहाँ आप स्टक कर रहे होंगे, जहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, उन चैप्टर्स को भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में, अभी वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और सभी अच्छा करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू टू ऑल। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।